फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कैसे करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.432 मल्टीप्लाई 1.42। अब हम इसको लिख लेंगे 1.432 मल्टीप्लाई 1.42। इसको हमको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया है इसलिए हम राइट साइड से इसके नीचे एक जीरो लगा देते हैं। अब हम सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 का हम लिखेंगे 2, 1 हो गया हमारा कैरी। 4 4 जा 16, 16 में 1 हम कैरी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17, 17 का हम लिखेंगे 7, 1 हो गया हमारा कैरी। 4 1 जा 4, अब 1 हमारा जो कैरी था इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया है इसलिए हम राइट साइड से इसके नीचे 2 जीरो लगा देंगे। अब हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। अब सभी डिजिट हो गए हैं इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे। 4 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, 8 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 का हम लिखेंगे 4, 1 हो गया हमारा कैरी। 8 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, और 1 हमारा कैरी था उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 का हम लिखेंगे 3, 1 हो गया हमारा कैरी। और 7 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 9, 9 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 12, और 1 हमारा कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 का हम लिखेंगे 3, 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 5 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, और 1 हमारा कैरी था हो जाएगा 10, 10 का हम लिखेंगे 0, 1 हो गया हमारा कैरी। 1 1 1 में हमारा एक कैरी था उसको ऐड करेंगे हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ राइट साइड से कितने डिजिट पर पॉइंट लगा हुआ है। 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट पे पॉइंट लगा है, यहाँ 1 2, यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट लगा है। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो अब हम यहाँ 5 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5, यही इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.15 मल्टीप्लाई 1 1। अब हम इसको पहले लिख लेंगे 0.15 मल्टीप्लाई 1 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। अब फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया है इसलिए इसके नीचे राइट साइड से एक जीरो लगा देंगे। अब उसके बाद हम सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। अब यहाँ कोई डिजिट नहीं बचा हुआ है इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे। 5 में 0 ऐड करेंगे होगा 5, 1 में 5 ऐड करेंगे होगा 6, 1 1 1 होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि राइट साइड से कितने डिजिट पर पॉइंट लगा हुआ है 1 2, और यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो इसलिए यहाँ 2 ही डिजिट होगा। तो यहाँ हम 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे 1 2, यही इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।